नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है हरिद्वार रोड स्थित ग्राम शेरपुर के हम इस समय उपस्थित हैं और आपको बता दें यहाँ पे खुशी ट्रेडर्स के नाम से एक हार्डवेयर का शोरूम का आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें जो इसके ओनर हैं मिस्टर जोगेंद्र सैनी जी, उनके द्वारा ये शोरूम खोला गया है और आज विधिवत रूप से यहाँ पर परिवार के द्वारा यहाँ पर उन्होंने हवन पूजन अर्चन कर इसकी शुरुआत करी और उसके बाद यहाँ पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा और भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय सह प्रभारी ओबीसी मोर्चा के मुनीष सैनी जी व अन्य भारतीय जनता पार्टी गठबंधनों द्वारा संयुक्त रूप से उनकी माता जी के साथ यहाँ पर फीता काट कर इस शोरूम का उद्घाटन किया गया। हम जानते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से टाइम बदल रहा है और जगह जगह हम देख रहे हैं भाई अब नए नए शोरूम खोल रहे हैं और लगातार आप भी हम देखते हैं, कभी डेंटल क्लिनिक हो या हार्डवेयर की दुकान हो या टाइल्स का शोरूम हो, आप उनके लगातार उद्घाटन कर रहे हैं और एक विकास की तरक्की की ओर रुड़की शहर जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बात तो ये ग्राम शेरपुर नहीं रह गया, अब ये शहर का हिस्सा बन गया है। जब से नगर निगम रुड़की में आया तो मैं समझता हूँ कि शेरपुर की तरक्की लगातार हो रही है और सारी सहूलियत जो है शेरपुर में है। आज कूड़े की गाड़ी यहाँ पर आती है, लाइट की फैसिलिटी है और सड़कें और पानी की टंकी, हर घर नल, हर घर जल की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार लगातार जो वादा किया था सबका साथ सबका विकास, उस पर इस मूल मंत्र पर खरा उतर रही है। और आज एक बहुत अच्छे शोरूम का उद्घाटन हमारे जोगिंदर भाई इन्होंने किया खुशी ट्रेडर्स के नाम से, जिसमें सारी हार्डवेयर की फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, प्लम्बरिंग की, प्लाईवुड की, जो भी घर बनाने से रिलेटेड संबंधित सामान है यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आबादी बढ़ती आ रही है। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी घर बनाएगा उसको इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर देंगे। इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, खूब आगे बढ़े, तरक्की करें और लोगों की सहायता करें। अच्छा विधायक जी, थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि अब ये ग्राम न रह के शहरी क्षेत्र बन गया है और नगर निगम में भी आ गया है और आपकी विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सर जिस तरह से आपने बताया कि आबादी बढ़ रही है और जिस तरह से आज जोगेंद्र सैनी जी ने शोरूम का उद्घाटन करा है और जितना भी इनके यहाँ पर शोरूम में सामान है वो एक घर में जो निर्माण होता है उसके अंदर लगने के लिए इन्होंने शोरूम खोला है, तो क्या कहना चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं उस तरीके से भी पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि सड़कों को लेकर बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पर रहती है, जल भराव की समस्या है, उस चीज से कब तक निजात दिला पाएंगे यहाँ के लोगों को? देखिए जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ऐसी काम भी लगातार चल रहे हैं, नालों का निर्माण भी लगातार हो रहा है और सड़कों का निर्माण भी आप देख रहे हैं रुड़की में लगातार चल रहा है। और गाँव में निकासी की दिक्कत है, आपने सही कहा, बारिश में काफी पानी इस बार भरा वहाँ पर, तो उसके भी नाले का निर्माण एक वेदांतम से लेकर और शनि मंदिर तक का DPR गई हुई है, जैसे वैसे मंजूर होगा उसका नाला का निर्माण भी करा जाएगा और पानी की समस्या से जो निजादिल हो जाएगी। ठीक है, और हमारे साथ अभी फिलहाल जो है निश्चय सर है, सर क्या कहना चाहेंगे जिस शोरूम खोला गया है जोगेंद्र जी के द्वारा? सबसे पहले तो मैं जोगेंद्र भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जोगेंद्र भाई ने जो है एक तरीके से ये जितने भी हमारा मल्टीपर्पज कार्य होता है मल्टीपर्पज कार्य किया है, चाहे उसमें सैनिटरी का काम हो, चाहे उसमें जो पेंट का काम हो और चाहे हार्डवेयर का काम हो, ये जोगेंद्र भाई ने जो खुशी ट्रेडर्स के नाम से खोली है यहाँ के लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगी और मील का पत्थर साबित होगा, सभी लोगों को इसका लाभ मिलना चाहेंगे। जोगेंद्र जी, जिस तरह रुड़की शहरवासियों को आप सुविधा देने जा रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पेंट्स की हम बात करें, जिस तरह से प्लाईवुड की बात करें या हार्डवेयर्स की बात करें, सैनिटरी की बात करें, सभी चीजें आपके शोरूम में उपलब्ध हैं, तो क्या जिस तरह से और भी यहाँ पर शोरूम है लेकिन आप रुड़की वालों के लिए क्या अलग लेके आए हैं, थोड़ा सा बताइए किस तरह की सुविधा आप दे रहे हैं? हम थोड़ा क्वालिटी पे अच्छा मेंटेन कर करके जैसे शहर उसे, बट दिल्ली से हमारा माल आया, हम सोचते हैं कि थोड़ा कम दाम कर पे भी माल मिले और जो शहर में दिक्कत होती है भाई बड़े बड़े, तो मतलब अब इधर के लोगों को शहर की तरफ ना जाके यहाँ पर वही चीज अच्छे प्राइस में मिल जाएगी, अच्छी चीज प्राइस पर देने की कोशिश करके और उस पर खड़े उतरेंगे। ठीक है, अच्छा आपके यहाँ हम देख रहे हैं जैसे इंग्लिश टॉयलेट है एक यहाँ पर, जैसे बाथरूम में लगाने के लिए अच्छे मतलब की टैंकी वगैरह रहती है, जो पानी की नल वगैरह रहते हैं, उनकी स्टार्टिंग कितने से प्राइस कितना स्टार्ट आपके यहाँ लगभग है अलग अलग? हमारे यहाँ जो है सबसे इंग्लिश जो वेस्टर्न सीट होती है उसका 2700 रुपये प्राइस से स्टार्ट है, वो आगे आगे बढ़ती बढ़ती 9000, 10000, 5000 की भी है, 4000 की भी है। और पाइप जो है पाइप अच्छी क्वालिटी के भी हैं, थोड़ा सा उससे मोनिका गोल्ड है, प्रिंस का है। तो अगर हम बात करें क्योंकि अब तो अलग अलग तरीके के पेंट आ गए, एक जमाना था कि पहले भाई सफेद चूने से ही घर को पुताई कर देता था, अब अलग तरीके आते हैं, समोसम आता था, अब अलग तरीके पेंट आ गए उसको लेकर, तो अब जो जैसे जैसे देखो नमी भी बढ़ती है, अपेक्स आ गए हैं, हम इस पे हमने इसकी जो इसकी बर्जर की डीलरशिप ली है उसमें जो अभी क्योंकि कम दाम में देने की कोशिश करेंगे, उससे लोगों को फायदा हो और उससे भाई सुविधा मिले। अच्छा जिस तरह से भाई बात की जाती है कि प्लम्बर्स की, प्लम्बर भी आपके यहाँ पर सुविधा के लिए रहेंगे? प्लम्बर भी सुविधा रहेंगे, कारपेंटर भी जो भी है
सब सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अध्यक्ष भी है भाई यहाँ पर, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनुज सैनी जी भी है, इन्हीं के पूर्व में ग्राम प्रधान भी रहे और इन्हीं के क्षेत्र में ये शोरूम खोला है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अब क्षेत्र में जी विधायक जी ने बताया भाई आबादी बढ़ रही है, विकास हो रहा है रुड़की शहर का, और विकास में इन सभी चीजों की बहुत ही आवश्यकता रहती है, जिस तरह से आज यहाँ सैनी साहब ने अपना शोरूम खोला है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा भाई जोगिंदर जी को कि उन्होंने एक ये बहुत ही अच्छा आउटलेट खोला है, शोरूम खोला है, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इनकी बहुत दूरगामी सोच है और ये बहुत ही अच्छा। आप देखेंगे अभी कि हार्डवेयर में सारा प्लाई बोर्ड, एक मकान को जब तैयार हो जाता है उसमें जो भी सैनिटरी वेयर्स की आइटम हो गई, हार्डवेयर की आइटम्स हो गई, सब ब्रांडेड और बहुत ही उचित दामों पे, क्योंकि आपने पहले भी व्यवसाय किया है, बहुत अच्छे व्यवसायी है आप, तो बहुत ही कम दामों में और कंपनी की आइटम, ब्रांडेड आइटम आपको इस आज यहाँ मिलेगी आपसे। और आसपास आप देखेंगे दीपक भाई कि बहुत कॉलोनियाँ विकसित हो रही है हमारी हरिद्वार रोड पर, और उन कॉलोनी में नए नए मकान बन रहे हैं, तो इन चीज़ों की जरूरत बहुत है। तो आप देखेंगे, आपने देख ही लिया है अभी, सारा अवलोकन कर लिया है, तो सभी आइटम ब्रांडेड है और सभी अच्छे उचित दामों पे आपको यहाँ मिलेगी। मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक बार आप जरूर अवश्य अपना अवसर दें और भाई जोगिंदर जी से सामान परचेज करें। मैं चाहूंगा कि वो बहुत ही अच्छे दामों पे आपके सामान उपलब्ध कराएंगे।